अयोध्या में राम मंदिर को लेकर 500 साल तक हिंदू और मुस्लिम आमने सामने रहे। लंबी अदालती लड़ाई चली, जिसके बाद अब श्रीराम का भव्य मंदिर अयोध्या में बना है। लेकिन आपको बता दें कि काशी में भी एक ऐसा मंदिर है जहां शिवलिंग खुले आसमान के नीचे स्थापित है, यहीं उनकी पूजा अर्चना होती है। वहीं बगल में मस्जिद भी मौजूद है जहां मुसलमान दुआ करते हैं। हिंदुओं के लिए ये कृतिवासेश्वर मंदिर है तो मुस्लिमों के लिए ये मस्जिद। इस परिसर को लेकर मंदिर में रोजाना आने वाली श्रद्धालुओं और आलमगीर मस्जिद के मुतवली ने अपनी अपनी प्रतिक्रिया दी है, सुनिए उनका क्या कहना है। और बचपन की अवस्था से ही हम यहाँ पे सुबह शाम दोपहर हम लोग जब भी इच्छा होती है आ जाते हैं। हम लोग ये चाहते हैं कि मेरे आराध्य का जो ये मंदिर है, ये भव्य मंदिर बने, ये जो मस्जिद है यहाँ से हटाया जाए और मंदिर का निर्माण किया जाए। और मेरे आराध्य जो खुले आसमान के नीचे ऐसे पड़े हुए हैं, हम लोगों को देख के बहुत कष्ट है, बहुत तकलीफ है। ये आप सारा देखेंगे तो ये नहीं बन पाता है। हम लोग साल भर में 3-4 ऐसे भव पूजा होते हैं, जो विशेष पूजा होते हैं जो हम लोग करवाते हैं, तो ये मुसलमान लोग नहीं करने देते हैं, फोर्स बुला लेते हैं। तो हम लोग चाहते हैं कि ये सब टिटिम्मा खत्म हो और हमारे मंदिर का निर्माण हो। ये मंदिर की जमीन है, इन लोगों ने जबरी मस्जिद बना रखा है। और ये मंदिर यहाँ की मस्जिद पहले नहीं था, ये हम लोग के पूर्वजों ने हम लोग को बताया है कि ये मंदिर ही था, लेकिन जब इसको तोड़वाया गया तो इन लोगों ने मस्जिद बनवा लिया। बस अब मेरे जो बुजुर्ग लोग, हमारे पूर्वज लोग जो हम लोग को बताते थे वही हम लोग जानते हैं। और जब से हम लोगों ने होश संभाला है तब से हम लोगों ने इस मंदिर को देखा है। और हम लोग बचपन काल से अपने यहाँ पे पूजा अर्चना सारा हम लोग करते आ रहे हैं और विशेष पूजाएं भी होती हैं। मस्जिद पे देखा गया है कि हाथी के निशान, हाँ, कमल के खम्भे हैं, हाथी के निशान हैं, हाथी के सूंड के निशान हैं, स्वास्तिक चिन्ह हैं। आप देखेंगे, अगर इसकी जांच होगी तो आपको सारे कुछ मिलेंगे। उस जमाने में चीजों के स्ट्रक्चर, चूंकि हिंदू बाहुल्य देश है और चूंकि तो जो भी पत्थर या आपके ईंटे जो भी हैं उसमें तरह तरह की आकृति बनी रहती थी। और आज भी आप ईंटा देखिए, ओम नाम से ईंटा मिलता है, तो आज से 200 साल बाद किसी घर में ओम नाम का ईंटा मिले तो वो क्या मतलब किसी धर्म का हो जाएगा? ऐसे उससे धर्म का कोई लेना देना नहीं है, वो तो उस जमाने में के चलन में जो पत्थर थे, जो ईंटे थे, हाँ जो थे, तो वो चले आ रहे हैं। वो चूंकि अब उसको तोड़ के तो लगाया नहीं गया, वो तो अब क्यों लगाया गया, कैसे लगाया गया, इस बारे में तो हम नहीं पूरा कह सकते, लेकिन उस जमाने का वही स्कल्पचर था, वही तरीका था। ये कृतिवासेश्वर का वहाँ पे जो बता रहे हैं, वहाँ पे पूजा कब से हो रही है सर? 2006 में वहाँ पर एक, वो दरअसल जिस जगह पर शिवलिंग आप देख रहे हैं उस जगह पर एक फुवारे का आकार का एक स्ट्रक्चर था। उस स्ट्रक्चर को आंधी में आम के पेड़ की डाल गिरी, उससे वो टूट गया और जबरदस्ती उसमें वहां लगा दिया गया। बाद में पंचायत हुई बहुत बैठ के, किसी जमाने में 2006 की बात है, ये बैठ के तय हुआ कि चलो भाई ठीक है, इन लोगों को एक दिन पूजा करने दो। ये लोग आते रहे धीरे धीरे, क्योंकि मुस्लिम समुदाय का वो अकेला घर है और वहां कोई अगल बगल में नहीं रहता, तो इसलिए इनकी बहुत आयत रहती है। और कोई लोग जबरदस्ती भी बहुत सी चीज करते रहते हैं जिनको हम लोग रोक पाने में सक्षम नहीं है, पुलिस वहाँ गार्ड इसीलिए लगी हुई है, लेकिन वो भी हर समय नहीं रोक पाती। हम प्रतिरोध करते हैं तो कभी कभी उनके काम रुकते भी हैं, लेकिन हमेशा प्रतिरोध भी नहीं कर पाते। और हम सोचते हैं कि वातावरण बना रहे, आपसी सौहार्द बना रहे, इसलिए कभी भी किसी किस्म का झगड़ा करने की, किसी किस्म का करने का कोशिश नहीं करते। उन लोगों का जैसे हिंदू पक्ष का दावा है और लगातार वो कह रहे हैं हम पूजा करते हैं और ये खुले में है, उसको भी निर्माण होना चाहिए जिस तरीके से बाकी उनको मिले, उनका ये कहना है। तो देखिए, सवाल ये है कि K 46/38 जहाँ ये स्थित है, ये शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी है जिसके हम मुतवल्ली हैं। तो प्रॉपर्टी से पहली बात तो ये शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड से इसकी परमिशन चाहिए अगर कुछ बनना है तो है। और दूसरी बात, जो दूसरा जो हिंदू पक्ष है उसकी तरफ से भी कोई सौहार्द आज तक नहीं दिखाया गया। हमेशा कोशिश रहती है कि हमको किसी न किसी तरह जबरदस्ती
नमाज के टाइम पर शोर करना, आरती शुरू कर देना, जिस पर विवाद होना, जिसको हम लोग रोकते हैं, तो ये सब चीजें होती रहती हैं। तो इसलिए कोई सद्भावना पूर्ण वातावरण दूसरी तरफ से भी नहीं दिया जाता। वहीं परिसर को लेकर जिस शख्स ने कोर्ट में याचिका दाखिल की है और परिसर को हिंदुओं को सौंपने की मांग की है, उन्होंने भी इस संबंध में बात की है, सुनिए। कृति वाशेश्वर का जिक्र हमारे वेदों और पुराणों में है और काशी खंड स्कंद पुराण के अनुसार वहां पे गजासुर नाम का एक राक्षस शिव भक्तों को जब मार रहा था तो भगवान भोलेनाथ प्रकट होकर के उसका वहां पे उन्होंने वध किया। लेकिन जब वध उन्होंने किया तो वध करने के पश्चात जैसे ही त्रिशूल उसके शरीर में लगा वो शंकर जी की स्तुति करने लगा। जब वो भोलेनाथ की स्तुति करने लगा कि भोलेनाथ आपके त्रिशूल से मेरा मोक्ष हमको मिल रहा है, तो शंकर को भी जी को भी समझ में आया कि भाई ये आदमी जिसका मैं वध कर रहा हूँ ये मेरी ही स्तुति कर रहा है। तो शंकर जी प्रसन्न हुए, वो भोलेनाथ है तो प्रसन्न होकर उन्होंने कहा कि भाई गजासुर तुम हमसे कोई भी वरदान मांग सकते हो। तो गजासुर ने कहा नहीं भगवान हमें आप मुक्ति दें लेकिन हमारे चमड़े को आप धारण करें। तो कृति शब्द जो होता है वो चमड़े के लिए यूज होता है संस्कृत में। तो भगवान ने कहा ठीक है, उसके चमड़े को धारण किया और कृति वाशेश्वर कहे गए। वास यानी वस्त्र होता है तो ये कृति वाशेश्वर नाम पड़ा भोलेनाथ का। भोलेनाथ ने कहा कि मैं यहाँ खुद निवास करूंगा और शिवलिंग के रूप में वहां स्थापित हो गए और इसे भगवान भोलेनाथ का मस्तक कहा जाता है। मस्तक रूप में हम सनातनी हिंदू उनकी पूजा करते हैं। कौन सा ये रूप है इनका जो बताया जाता है 42वां? 42 शिवलिंग काशी के प्रमुख शिवलिंग है। उन 42 शिवलिंगों में प्रमुख स्थान कृति वाशेश्वर का माना जाता है। औरंगजेब ने जब काशी पे आक्रमण किया तो सबसे पहले कृति वाशेश्वर का ही मंदिर उसने ध्वस्त किया। इसके बाद काशी विश्वनाथ का मंदिर ध्वस्त हुआ, इसके बाद बिंदु माधव का, और इन तीन बड़े प्रमुख मंदिर थे काशी के। और इन तीन मंदिरों को तोड़ने के बाद 10,000 मंदिर को तहस नहस किया गया इस काशी के अंदर। तो इन्हीं चीजों को लेकर के हमने जब अदालत में याचिका दाखिल किया तो अदालत ने हमारी बात को समझा और हमारे केस को स्वीकार किया। हम अपने याचिका के माध्यम से न्यायालय से ये चाहते हैं कि पूरा कृति वाशेश्वर का परिसर हम हिंदुओं को सौंपा जाए, गैर हिंदुओं का प्रवेश वर्जित हो और एक भव्य मंदिर के निर्माण का रास्ता प्रशस्त हो सके। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज 24।